स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटम की हम बात करते हैं तो एटम को हिंदी में तो अणु कहा जाता है तो अणु क्या होते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ़ एन एलिमेंट विच मे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऐटम ठीक है इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस तो ऐटम के हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं ऐटम हमारे पास किस चीज़ से बना होता है तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में इसमें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं प्रोटॉन्स फिर न्यूट्रॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी की थी वो जे जे थॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है सॉरी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है प्रोटोन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है और न्यूट्रॉन में हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास जे जे थॉमसन ने की प्रोटोन की डिस्कवरी गोलस्टिक ने की एंड न्यूट्रॉन की चटविक ने की थी इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास एटम में होते हैं प्रोटॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमें कैसे मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन हमारे एटम के अंदर प्रेजेंट है क्वेश्चन ये राइज होता है तो इसका आंसर है कि जब हमने स्टडी की थी कैथोड रेज की हमने मतलब जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवरी की स्टडी की तो हमारे पास रिजल्ट आया कि जब हम कैथोड रेज की स्टडी कर रहे थे कि एटम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि हमारे पास क्या चार्ज कैरी करता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन फाइव माइनस नाइनटीन ठीक है और प्रोटोन हमारे पास कैसे डिस्कवर हुआ प्रोटोन की डिस्कवरी हमने की जब हम हम स्टडी कर रहे थे एनोड रेस के बारे में ठीक है वैसे ही न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ जब हमारे पास स्टडी हो रही थी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की अब हमारे को मालूम है कि हमारे पास एटम है तो एटम में ऑर्बिटल ऑर्बिटल का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ऑर्बिटल क्या है ऑर्बिटल इज द रीज़न इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबीबिलिटी ऑफ हाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज द मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीज़न है स्पेस में किसके अराउंड न्यूक्लियस के पास एक ऐसा रीज़न है स्पेस में जहाँ पर हमारे पास प्रोबिबिलिटी ऑफ हाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सीम किसी भी मोलिक्यूल को पाने की क्षमता अधिक हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल कहते हैं और ऑर्बिट क्या होता है ऑर्बिट में हमें मालूम है कि इसमें वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे घूमते रहते हैं उसको हमने क्या बोलते बोल दिया ऑर्बिट बोल दिया इट्स रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है तो जितने भी हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं सर्कुलर एंड लाइक इनकी शेप होती है और जब अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है जैसे कि एस ऑर्बिटल्स की शेप हमारे पास समेट्रिकली स्पेरिकली सैट्रिकल होती है पी की हमारे पास डम्बल शेप्ड होती है एंड सो ऑन ठीक है तो ये हो गया ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस भी हो गया और हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली फिर इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास नोट्स एंड नोडल प्लेन्स नोड्स क्या होता है द रीज़न वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो एक ऐसा रीज़न जहाँ पर हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन को पाने की क्षमता क्या हो जाती है शून्य बराबर हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम नोडल रीजन और सिंपली उसको नोड भी हम कह सकते हैं ठीक है तो नोडल प्लेन एंड नोड्स एक ही बात है आप इसको कैसे भी लिख सकते हो फिर आते हैं हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या फिर इलेक्ट्रॉन तो डी रॉकली एक हमारे पास साइंटिस्ट थे तो उन्होंने हमारे पास प्रपोज किया था विरोमिना किसके ऊपर ड्यू नेचर ऑफ मैटर के ऊपर उन्होंने कहा कि मैटर लाइक रेडिएशन शुड हैव दैट ड्यू बिहेवियर दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज द पार्टिकल शुड हैव मोमेंटम एज वेल एज वेव लेंथम वेव लेंथ सॉरी तो इसने हमारे पास रिलेशन दे दिया लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी और एम वी को हमने क्या लिख दिया पी ओवर पी वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स तो सिंपल सी इसकी बात करें तो डी ब्लॉगली इक्वेशन करके भी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर हम डी ब्लॉगली इक्वेशन को कैसे लिखते हैं या हमें ऑप्शन में दिया जाता है विच वन इज़ राइट फॉर द डी ब्लॉगली इक्वेशन तो हमारे पास ये लेमडा इक्वल टू एच ओवर पी करके अगर ऑप्शन हाँ दी जाती है तो वो भी ठीक होगी अगर हमारे पास लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम वी करके दिया जाता है तो वो भी ठीक है ठीक है तो इसको समझे तो हमारे पास जो मैटर है उसकी मतलब दोनों ड्यूल प्रॉपर्टीज़ होती है वो या तो लाइट की तरह भी बिहेव कर सकता है या फिर वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास हैंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू वर्नर हैंसनबर्ग नाइनटीन सेवन ट्वेंटी सेवन बोथ पोजिशन और मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर इम्पॉसिबल टू बी मेजर सिविन टेंडेंसली विथ सर्टेनिटी तो इन्होंने हमारे पास मैथेमेटिकली दिया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर फोर पाए जहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स क्या था अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ठीक है तो हंसनबर्ग के प्रिंसिपल में क्या बात कही कि जब हमारे पास बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम है किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है जो मूव कर रहा है तो उसको मेज़र करना इम्पॉसिबल है ठीक है तो इन्होंने ये बात कही थी हमें उसके बाद आता है ऑफ ऑफ रूल स्टेट्स या सिंपली हम इसको कहेंगे अब प्रिंसिपल क्या है इट सेड दैट द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे फ़िल होंगे उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग की एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग तो हम सबसे पहले कहाँ से उसको ऑर्बिट को फिल करेंगे जहाँ पे हमारे पास लोएस्ट एनर्जी है किसी ऑर्बिटल की सबसे पहले वो वाला ऑर्बिटल हमारा आता है फिर आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इट्स स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर इन्होंने सिंपली बोला है कि कोई दो तो इलेक्ट्रॉन है हमारे एटम के अंदर तो उनके हमारे पास सेम सेट ऑफ क्वांटम्स नंबर प्रेजेंट नहीं होंगे तो उन्होंने क्या बोल दिया इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फिर आता है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लीसिटी इट स्टेट्स तहत दियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सब शेल कैन नॉट टेक प्लेस अनटिल ऑल दर्बिटर्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड विथ पैलर स्पिन अब प्रिंसिपल का अगर हम एग्जाम्पल देखें हमने बोला था कि हमारे पास एनर्जी हायर एनर्जी के अकॉर्डिंग सब्शियल फिल होंगे तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एस फोर एफ फाइव डी सिक्स पी सेवन एस एंड सो वन ऐसे करके हम फिल करते हैं जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन वन एस टू हीलियम ऐसे करके हम लिखते हैं आगे आगे करके तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ देखें तो डी से पहले थ्री डी से पहले हमारे पास फोर एस तो आ, आ रहा है तो ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आ रहा है तो यहाँ पे भी देखे तो फोर डी से पहले हमारे पास फाइव एस की फिलिंग हो रही है ठीक है और यहाँ पे हमारे पास फोर एफ़ यहाँ पर आ रहा है बीच में सिक्स एक्स सिक्स एस के बाद पर तो ये हमारे ऑफ अव प्रिंसिपल के रूल के बेस्ड है इसलिए ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं क्वांटम नंबर्स की अगर बात करें तो क्वांटम नंबर में भी डिफाइंड एज द सेट ऑफ फोर नंबर्स विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम दैट इज एवरी ऑर्बिटल ऑकुपाइड एंड ऑरियंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा तो हमारे पास एड्रेस होता है एक तरह से ये क्वांटम नंबर्स किसका इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी इलेक्ट्रॉन की एटम के